नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खनन माफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। विदिशा के कुरवाई तहसील के रूसिया घाट पर हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर आज सुबह तड़के खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई। मौके पर प्रशासन को देखते ही खनिज माफियाओं द्वारा पनडुब्बी मशीनों को खोलकर नदी में भगा लिया गया, परंतु प्रशासन ने वहां मौजूद अलग अलग तीन स्थानों से तीन पोकलेन मशीन को जब्त कर तहसील परिसर में खड़ा किया। साथ ही माइनिंग अधिकारी मेहताब सिंह रावत ने बताया कि पोकलेन मालिकों के खिलाफ भी FIR की जाएगी। कार्यवाही को अंजाम देने में माइनिंग अधिकारी मेहताब सिंह रावत, तहसीलदार हेमंत शर्मा, नायब तहसीलदार अनामिका शराफ, TI ब्रजेंद्र मार्सकोले एवं भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। विदिशा कुरवाई से आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि कुरवाई तहसील में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हो रहा है रेत का, तो जिस पर जो है आज प्रशासन ने कार्रवाई की है। ग्राम रूसिया और बरेठी क्षेत्र में जो है तीन पोकलेन मशीनें पकड़ी है, जिस पर कार्रवाई जारी है। मालिकों पर भी केस होगा। ये सर कितने बजे से कार्रवाई प्रारंभ की गई थी? सुबह 6 बजे से कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, अभी जारी है कार्रवाई। किस किस विभाग ने इसमें मदद की थी? पुलिस, खनिज और राजस्व विभाग संयुक्त रूप